Assalamu alaikum, this is me Shamir from the platform of Makan Solution. Welcome back with another video of Overseas East Sector D or Sector E. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवरसीज ईस्ट सेक्टर डी और सेक्टर ई में डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, साथ ही साथ अगर आप ओवरसीज ईस्ट सेक्टर ए बी सी इनमें डेवलपमेंट की सूरत हाल के हवाले से जानना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। बात की जाए सेक्टर डी की डेवलपमेंट की, तो सेक्टर डी की डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 90% इसका एरिया ऐसा है जो क्लियर है और 10% एरिया ऐसा है जो अभी लिटिगेशन में है। इसमें जो लीनियर पार्क रोड आगे जाके हिल रोड पर कनेक्ट करती है, इसमें से कुछ एरिया जो है वो क्लियर हो गया है और कुछ अभी लिटिगेशन में है, जिसमें स्ट्रीट नंबर 8 और अगर हिल रोड पे बात की जाए तो प्लॉट नंबर 1 से 13 तक का जो एरिया है ये भी लिटिगेशन में है, बाकी एरिया इस टाइम पे सेक्टर डी में क्लियर हो चुका है। इन जनरल अगर सेक्टर डी में डेवलपमेंट की बात करें तो सेक्टर डी में कुछ 5 मरला के विलाज ऐसे हैं जो सोसाइटी की तरफ से बना के सेल आउट किए जा रहे हैं और कुछ 5 मरला के विलाज ऐसे हैं जो टिवरलिन स्मार्ट होम्स की तरफ से बनाए जा रहे हैं और जो सोसाइटी की मेन रोड के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है ये सोसाइटी की तरफ से की जाने वाली सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन है। ये बेसिकली 22 किनाल की बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसका नाम है हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट। ये बेसिकली अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो सोसाइटी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। अभी तक इसका कोई भी यूनिट मार्केट में सेल आउट होने के लिए नहीं आया, इन फ्यूचर सोसाइटी या तो इसको किसी होटल को दे देगी या इसको क्लाइंट्स के हैंड ओवर कर दिया जाएगा एज एन अपार्टमेंट्स। इसमें जितने भी अपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये हर अपार्टमेंट हर यूनिट कॉर्नर यूनिट है। अगर बात की जाए इसकी टोटल एरिया की तो ये 22 किनाल पे इस टाइम पे बिल्डिंग है और इसके 10 फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, साथ ही साथ ये टोटल 17 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। ये कोई करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बिलियन रुपीज का प्रोजेक्ट है जो सोसाइटी इटसेल्फ खुद कर रही है यहाँ पर। राइट नाउ बात करें सेक्टर डी में डेवलपमेंट की या कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर 90% एरिया ऐसा है जो इस टाइम पे फुल्ली डिलीवर्ड है, मतलब 90% वो विलाज हैं जिनके ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी अगर देखा जाए जो विलाज यहाँ पर आपको मेन रोड पर नजर आ रहे हैं बेसिकली 10 मरला के विलाज हैं जिनमें से चंद विलाज का लेंटर जो फर्स्ट फ्लोर का है वो कंप्लीट हो चुका है। बात की जाए 5 मरला के विलाज की तो इनका अगर ग्रे स्ट्रक्चर देखते हैं तो 90% ग्रे स्ट्रक्चर विलाज का कंप्लीट है 5 मरला के और अगर इनके प्राइस रेंज की बात की जाए तो 84,50,000 के प्राइस रेंज में ये विलाज लॉन्च किए गए थे जिनका हैंड ओवर टाइम था September 2023। 4 साल होने के हुए लेकिन सोसाइटी की तरफ से ये विलाज अभी तक क्लाइंट्स को हैंड ओवर नहीं किए गए। उम्मीद है सोसाइटी अपनी बाकी वादों की तरह ये वादा भी जल्द अज जल्द पूरा करेगी, जैसे कि 12th of May 2024 को सोसाइटी ने अपना इंटरचेंज भी स्लिप इन स्लिप आउट ऑपरेशनल कर दिया। बात की जाए इस सेक्टर की तो इस सेक्टर में जो लीनियर पार्क है जहां पर सेक्टर सी और सेक्टर डी आपस में ज्वाइंट होते हैं इस जगह पे डिस्प्ले ऑफिस भी मौजूद है। अब अगर बात की जाए इसके चारों साइड्स की तो इसके बिल्कुल सामने आपको लेक व्यू टेरिस मिल जाता है जिसमें नेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें भी रिसेंट टूर्नामेंट भी हुआ है और इसके साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट अभी फुटबॉल ग्राउंड भी बन रहा है जिसमें डेवलपमेंट का आगाज हो चुका है। इसके राइट साइड पे आपको सेक्टर सी मिलता है, सेक्टर सी में 10 मरला के प्लॉट्स हैं और साथ आपको लेक व्यू हाइट्स कमर्शियल मिल जाता है। बैक साइड पे देखा जाए तो बैक साइड पे आपको सेक्टर एच मिल जाता है जिसमें 5 मरला की कटिंग है और कुछ कमर्शियल्स मौजूद हैं और अगर आप बात करें इसकी फोर्थ साइड की तो फोर्थ साइड पे सेक्टर ई मिल जाता है जिसमें 5 मरला के विलाज हैं और साथ ही साथ 5 मरला के कुछ रेजिडेंशियल यूनिट्स भी मौजूद हैं। ये तो हो गई इस सेक्टर के चारों साइड्स की बात। बात करते हैं सेक्टर में फैसिलिटीज और एमिनिटीज के हवाले से, तो यहाँ पर इस सेक्टर में इसका अपना कमर्शियल भी मौजूद है जो कि 8 मरला कमर्शियल है, साथ ही साथ सेक्टर हॉस्पिटल और इसके साथ आपको सीवरेज प्लांट भी मिल जाता है। अब अगर बात की जाए सेक्टर ई की, ओवरसीज ई सेक्टर ई में इस टाइम पे डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है एज ऑफ Second Week of May 2024। अगर देखा जाए इसमें तो स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 4 इन स्ट्रीट पे आपको विलाज मिल जाते हैं और साथ ही साथ अगर लेन्स की बात करें तो लेन नंबर 1, 2, 3 इन पे भी आपको विलाज मिल जाते हैं जिनका 90% ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है। याद रहे ये विलाज सोसाइटी की तरफ से 4 साल पहले लॉन्च किए गए थे जिनका पोजेशन अब तक किसी एक इंडिविजुअल क्लाइंट को भी हैंड ओवर नहीं किया गया, मां सिवाय एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में भी 60% विलाज ऐसे हैं जिनका पोजेशन हैंड ओवर कर दिया गया है। इसके अलावा 5 मरला के जितने यूनिट्स ओवरसीज ईस्ट ओवरसीज सेंट्रल में मौजूद हैं किसी का ये पोजीशन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया। बात की जाए इसकी डेवलपमेंट की तो इसमें 85% एरिया ऐसा है जो क्लियर है और 15% एरिया ऐसा है जो अभी भी लिटिगेटेड है। अगर इसमें आप लीनियर पार्क देखते हैं जो सेक्टर जी और सेक्टर ई के दरमियान में है ये भी पहले लिटिगेटेड था लेकिन अब इस एरिया को सोसाइटी ने क्लियर करके यहाँ पर लीनियर पार्क की डेवलपमेंट का आगाज कर दिया है। इसके अलावा अगर स्ट्रीट 1 को देखते हैं स्ट्रीट 1 भी इसमें कुछ लिटिगेटेड है लेकिन सोसाइटी उसके भी
जो लैंड है उसको क्लियर कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में ये सेक्टर भी मुकम्मल क्लियर हो जाएगा और इस पर तमाम पे डेवलपमेंट का आगाज़ शुरू कर दिया जाएगा। अगर इस सेक्टर में प्लॉट या विलास के हवाले से बात की जाए तो इसमें 40% एरिया ऐसा है जहाँ पर विलास कंस्ट्रक्टेड है और 60% एरिया ऐसा है जिसमें 5 मरला के रेजिडेंशियल यूनिट्स मौजूद हैं। अगर सबसे ज़्यादा 5 मरला के डिमांडिंग लोकेशन की बात की जाए तो सेक्टर ई इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लोकेशन में है 5 मरला के लिए। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो आपको यहाँ 35 से 40 लाख रुपए की रेंज में कैश का रेडी प्लॉट मिल जाता है। अब आते हैं इसकी चारों साइड्स पे, तो इसके बिल्कुल सामने आपको ओवरसीज ईस्ट आर्मी पार्क सेक्टर एम मिल जाता है जिसमें 3.5 मरला के और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स हैं, साथ ही साथ 3.5 मरला के प्लॉट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसकी राइट साइड पे देखते हैं तो इसकी राइट साइड पे हमें सेक्टर डी मिलता है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पर हमारे पास 5 मरला के और 10 मरला के कुछ यूनिट्स मौजूद हैं जिन पे विलास कंस्ट्रक्टेड हैं और जिनकी 90% ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हुआ है। इसकी बैक साइड पर अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको लीनियर पार्क मिल जाता है जो सेक्टर ई और सेक्टर जी को आपस में डिवाइड करता है। साथ अगर सेक्टर जी की बात करें तो इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया इस टाइम पर लिटिगेशन में है और यहाँ पर 5 मरला के यूनिट्स हैं। बात करें इसकी फोर्थ साइड की तो फोर्थ साइड पे हमें सेक्टर एफ मिल जाता है जिसमें 7 मरला के और 12 मरला के रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं जिसमें कुछ 12 मरला के विलास भी बनाए जा रहे हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फॉर द डे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी किस्म की भी डिटेल्स जानने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.makansolutions.com। दीजिए शामिर उस्मानी को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।